दोस्तों, आप सभी लोग जापान के बारे में तो जानते ही होंगे। जापान दुनिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। जापान के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और इन्होंने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से आज ऐसे काम कर दिए हैं जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जापान की 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जापान 2019 में नहीं बल्कि फ्यूचर में जी रहा है। नंबर 1, जापानीज ट्रेन। जापान के पास दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है जिसका नाम JR सेंट्रल सुपर कंडक्टिव मैगलेव है। इसकी टॉप स्पीड 603 किलोमीटर पर आर की है। पर क्या आप जानते हो, जापान में ऐसी ट्रेन बन चुकी है जो बिना ड्राइवर के चलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इन ट्रेन्स में कोई भी ड्राइवर नहीं होता। ये ट्रेन पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम से चलती है। यहाँ दुनिया अभी खुद चलने वाली कार्स बना रही है, लेकिन जापान को देख लीजिए। जापान एक ऐसा इकलौता देश है जिन्होंने खुद चलने वाली ट्रेन्स बना दी है। नंबर 2, एडवांस टॉयलेट। जापान ने अपने टॉयलेट्स तक को नहीं छोड़ा। जापान के टॉयलेट दुनिया के सबसे एडवांस टॉयलेट माने जाते हैं। इस टॉयलेट में आपको बटन्स ही बटन्स दिखाई देंगे। इन टॉयलेट्स को आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। इन टॉयलेट्स में आपको हीटर और म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें परफ्यूम भी दिया गया है जो टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद ऑटोमेटिकली खुशबू फैला देता है। इस टॉयलेट की सीट के ऊपर आपको सिंक मिल जाता है और ये हाथ धोने वाला पानी इस छेद से रिसाइकिल होकर डायरेक्ट फ्लश में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी और वाटर सेविंग। अगर आपको टॉयलेट जाना है पर आपका बच्चा परेशान कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन टॉयलेट्स में बेबी चेयर बनाई गई है जहां पर आप अपने बच्चों को बैठाकर आराम से फ्रेश हो सकते हैं। नंबर 3, होटल फुल ऑफ रोबोट्स। जापान एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर हर एक होटल्स में रोबोट तो होते ही हैं। जापान में मौजूद हीना नाम का एक होटल है जिसमें 243 रोबोट्स हैं। जी हाँ, 243। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं हैं, यहाँ पर 10 लोग ही हैं जो काम करते हैं, पर ज़्यादातर सभी काम ये 243 रोबोट्स ही करते हैं, इसलिए इसे वियर्ड होटल भी बोला जाता है। यहाँ के सर्वेंट्स भी रोबोट होते हैं और यहाँ तक कि रिसेप्शन पर भी आपको रोबोट ही दिखाई देंगे। इस होटल में लगे 10 स्टाफ मेंबर्स का काम बस इन रोबोट्स की देखभाल करने का होता है और होटल का सारा काम ये रोबोट्स ही करते हैं, इसलिए ये बोलना गलत नहीं होगा कि जापान फ्यूचर में जी रहा है। नंबर 4, चॉपस्टिक। पूरी दुनिया में नूडल्स काफ़ी पसंद किए जाते हैं और जापान में तो इसे काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। आपको पता ही है, नूडल्स को चॉपस्टिक से खाया जाता है, लेकिन अब जापान नॉर्मल चॉपस्टिक से नहीं बल्कि इस फैन वाले चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके खाएंगे, जिससे नूडल्स को फैन की मदद से ठंडा किया जाएगा। मुंह से फूंक मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये इन्वेंशन काफ़ी कमाल का है और इस इन्वेंशन से आप ये सोच सकते हो कि जापान की सोच कितनी आगे तक है। नंबर 5, डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटरमेलन। जापान के लोग कितने एडवांस है कोई सोच भी नहीं सकता। वाटरमेलन जो हर कोई पसंद करता है, जापान ने इसे भी बदल कर रख डाला। जापान ने वाटरमेलन को तरह तरह की शेप्स में, जैसे कि स्क्वायर, हर्ट और ह्यूमन फेस की शेप दे दी, जो इसे दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव वाटरमेलन बना देता है, जिसकी कीमत 7000 रुपये से शुरू होती है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, जापान सच में फ्यूचर में जी रहा है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।